नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दुबई T20 के आज के दिन के मुकाबले की, जो कि यहां पर खेला जाएगा दुबई वर्सेस ECB ब्लूज के बीच में। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे इस मैच की, और आपको बताएंगे कि इस मैच में आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी भी मैं आगे वीडियो के अंदर प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसीलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को फुल वॉच करिएगा और स्किप मत करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर लें, चैनल को जरूर हमारे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर ऑल पे प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आप चाहते हैं आपको किसी भी मैच की लाइनअप, किसी भी मैच की फाइनल टीम सबसे पहले मिले, तो उसके लिए आप लोग हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। 2000 से ज़्यादा मेंबर्स ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं टेलीग्राम पर, तो आप लोग अगर अभी तक नहीं हुए हैं तो जाकर जरूर हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस मैच में कम इन्वेस्ट करिएगा, ज्यादा इन्वेस्ट मत करिएगा, जितना आप करते हैं उससे थोड़ा कम ही करिएगा। तो यहां पर अब मैं बात करता हूं टीम सिलेक्शंस की। तो विकेट कीपर सेक्शन में आपके सामने यहां पर दो पिक है, एक खान की है और दूसरी पिक आपके लिए यहां पर रहने वाली है वृत्तिया की। पिछले मैच में इन्होंने बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस दी, 86 रन बनाए हैं, तो इस मैच में हम लोग इन्हें जरूर अपनी टीम में पिक करेंगे। हो सकता है पिछले मैच की तरह इस मैच में भी एक अच्छा स्कोर हमें करके ये दिखाएं, तो इसलिए मैं यहाँ पर दो विकेट कीपर को लूंगा। एक खान भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से वृत्तिया भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बैटिंग सेक्शन में यहां पर मैं सराफू को पिक करूंगा, बी हामिद को पिक करूंगा, उसके अलावा मैं यहां पर मेहरा को पिक करूंगा, उसके अलावा नीचे रिजवान की पिक है, ए टंडन की पिक है, तो आप इन दोनों में से किसी और बैट्समैन को लेना चाहें तो दोनों को ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी यहां पर ओनली 3 बैट्समैन को पिक करने वाला हूं, जो कि हमारे होंगे सराफू, हामिद और यहां पर पी मेहरा। ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों यहां पर मैं पिक करूंगा लकारा को, जो कि हर एक मैच में बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कैप्टन आज के मैच में भी ये बनने चाहिए और आप लोग भी इनको अपनी टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं, तो डेफिनेटली इनको पिक करिए। उसके अलावा यहां पर मैं एम हसन को पिक करूंगा। कल के मैच की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने कल भी 4 विकेट निकाले थे, बहुत कम लोगों ने इनको कल पिक कर रखा था, ओनली 26% लोगों ने इनको अपनी टीम में पिक किया था, तो इसलिए मैं आज इनको अपनी टीम में पिक करूंगा। फारूक को पिछले मैच में मौका नहीं मिला था, तो हो सकता है इस मैच में मौका मिले, लेकिन अभी के लिए हम लोग इन्हें अपनी टीम से ड्रॉप करेंगे। हम यहाँ पर पिक करेंगे W अहमद को। तो यहाँ से मैं 3 मेन ऑलराउंडर्स को सिलेक्ट कर लिया हूँ जो कि हमारी टीम में रहने वाले हैं। बॉलिंग सेक्शन में आपके लिए यहाँ पर लतीफ इंपॉर्टेंट होंगे, मियप्पन इंपॉर्टेंट होंगे, उसके अलावा हमारा जो लास्ट बॉलर होगा वो यहाँ पे नसीर होगा, और किसी बॉलिंग ऑप्शन के साथ हम लोग नहीं जाएंगे, ओनली हम लोग यहाँ पे 3 बॉलर्स ट्राई करेंगे। तो हमने यहाँ पे दुबई की तरफ से 5 प्लेयर पिक किए हैं और यहाँ पे ECB की तरफ से 6 प्लेयर्स पिक किए हैं। अपनी टीम में अगर मैं बात करूँ कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी की, तो कैप्टेंसी पर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, लकारा को ही आपको कैप्टन बनाना है, क्योंकि हर कोई बंदा चाहे हेड टू हेड हो चाहे ग्रैंड लीग हो, इन्हीं को अपना कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएगा, वो कैप्टन तो डेफिनेटली ही बनाएगा, तो इसलिए अगर आप कैप्टन पर रिस्क ना लें तो बेहतर होगा। वाइस कैप्टन पर आप रिस्क ले सकते हैं, लतीफ को बना सकते हैं, उसके अलावा हसन को ट्राई कर सकते हैं, उसके अलावा मैं यहाँ पर वाइस कैप्टन अपनी टीम में पी मेहरा को भी आप लोग बना सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पे वृत्तिया को भी रख सकते हैं वाइस कैप्टन। अभी के लिए यहाँ पर मैं चलिए एम हसन को अपनी टीम का वाइस कैप्टन बना देता हूं, या फिर आप चाहें तो लतीफ को अगेन वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। कल के मैच में कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, तो हो सकता है कि आज के मैच में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, तो मैं अपनी इस टीम को दोस्तों सेव कर लेता हूं। तो हमारी दोस्तों ये टीम जो है वो सेव हो चुकी है, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां पर भी आप लोग प्ले कर रहे हो वहां पर जाके आप लोग हमारी इस टीम को, यही हमारी दोस्तों फाइनल टीम होगी। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, तो इसीलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जहां पर भी आप लोग प्ले कर रहे हो वहां पर जाके डेफिनेटली हमारी इस टीम को यूज़ करेगा, 100% आप लोग वॉन करेंगे। बाकी लाइनअप आने के बाद अगर यहाँ पर कोई चेंज करना मुझे पड़ा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर दी जाएगी बिल्कुल फ्री में, तो जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, 2K+ मेंबर वाला जो भी ग्रुप हो आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। तो भाइयों मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग जहां भी रहें सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जितने भी फैंटसी मैच हो, जितने भी फैंटसी ऐप हो, जहां पर भी आप इन्वेस्ट करते हो ऑलवेज विन करें हमारी टीम मैनेजमेंट से, हमारी टीम कॉम्बिनेशन से। तो भाइयों मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।